हेलो, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम जैसा कोई भी वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट देखने का मीडियम है जो बढ़िया है, लेकिन किसी वजह से टीवी पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि या तो उसमें गालियाँ हैं या नग्नता है या कुछ और ऐसा जिसे समाज या देश अच्छा नहीं समझता। इसके अलावा टीवी के लायक उसे नहीं समझा जाता, या फिर कॉन्टेंट बनाने वाली कंपनियों का अपना अर्थशास्त्र है जिसके हिसाब से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तय करते हैं। भारत सरकार ने फिलहाल इन प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंसरशिप के कोई नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन कंटेंट बेरोक टोक देखने की ये आज़ादी हमेशा रह पाएगी, इस पर अगर मगर होने लगा है। वैसे ये अगर मगर कुछ वक्त से चल रहा था, लेकिन अब इसकी बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सऊदी अरब से नेटफ्लिक्स पर सरकारी हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले टॉक शो पेट्रियट एक्ट विद हसन मिनाज का एक एपिसोड सऊदी अरब में ब्लॉक कर दिया गया है। सऊदी अरब का कहना था कि इस एपिसोड से उसके साइबर क्राइम रूल्स का उल्लंघन हो रहा था। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसे सऊदी में ब्लॉक किया है। दुनिया को इसकी खबर जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में लगी। फिलहाल ये एपिसोड सऊदी से बाहर देखा जा सकता है। आते हैं पहले सवाल पे कि इस एपिसोड में और हसन के शो में ऐसा था क्या। हसन मिनाज अमेरिका के एक कॉमेडियन हैं, वो स्टैंड अप्स और पॉलिटिकल कमेंट्री करते रहते हैं, टीवी शोज भी होस्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स पर हसन मिनाज का एक शो शुरू हुआ पेट्रियट एक्ट नाम से। अब ये पेट्रियट एक्ट क्या है? 9/11 वाले जो हमले हुए थे अमेरिका में, उसके बाद आतंकवाद से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने एक सख्त कानून बनाया जिसका नाम था US पेट्रियट एक्ट। हसन के शो का नाम इसी पेट्रियट एक्ट के साथ किया एक वर्ड प्ले है। खैर, जिस एपिसोड की यहाँ बात हो रही है वो पेट्रियट एक्ट का पहला एपिसोड था जो अक्टूबर 2018 में आया था। इसी महीने की 2 तारीख को अमेरिकन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े पत्रकार और सऊदी सरकार के आलोचक जमाल खशोगी इस्तानबुल के सऊदी दूतावास में गए और कभी नहीं लौटे। आरोप है कि सऊदी सरकार ने खशोगी की हत्या करवाकर उनकी लाश को ठिकाने लगवा दिया। सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान तक पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद हसन ने अपने शो में मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों की आलोचना की थी। इसमें खशोगी की हत्या से लेकर यमन की लड़ाई तक का जिक्र था। हसन ने शो में कहा था, एक अमरीकी और एक मुस्लिम के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें, यानी कि अमेरिका को, सऊदी से अपने संबंधों पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब ये संबंध क्या है? सऊदी अमेरिका का बहुत पुराना स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, उनके बीच में तेल के अलावा हथियारों का भी लेन देन होता है। हसन ने आगे ये भी कहा था कि जब सऊदी सरकार कुछ गलत करती है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसके नतीजों के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की नज़र में सऊदी वो जगह है जहाँ पर मुसलमानों की 2 सबसे पवित्र जगहें हैं। दिसंबर में सऊदी सरकार के कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने नेटफ्लिक्स से कहा कि वो हसन का एपिसोड हटाए। दिसंबर के आखिर में नेटफ्लिक्स ने एपिसोड हटाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के एंटी साइबर क्राइम कानून के जिस अनुच्छेद 6 का हवाला दे के हसन के शो को हटाया गया है, उसके तहत सरकार के पास इंटरनेट पर किसी भी तरह की अभिव्यक्ति को रोकने की असीमित शक्ति है। साधारण भाषा में समझाएं तो ये एक ऐसा कानून है जिसका हवाला देकर किसी भी तरह के कंटेंट को हटाया जा सकता है, चाहे वो ऐसा कंटेंट ही क्यों ना हो जिस पर पूरी दुनिया एक तरफ हो और सऊदी मत एक तरफ हो। इसके बाद नेटफ्लिक्स की तगड़ी आलोचना हो रही है। खशोगी चूंकि एक अमरीकी अखबार के लिए काम कर रहे थे, इसलिए वहाँ नेटफ्लिक्स के इस कदम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। नेटफ्लिक्स ने अपनी तरफ से ये कहा है कि उन्हें मिला नोटिस कानूनी तौर पर वैध था, लोकल जो लॉस और बायलॉस बने हुए हैं उनका उन्हें पालन करना होता है और इसलिए उन्होंने एपिसोड हटाया। लेकिन सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है खुद हसन मिनाज की। उन्होंने तंज में एक ट्वीट किया, इसे आप यहाँ देख सकते हैं, उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके लिए कर देता हूँ। लोगों को किसी चीज़ को देखने से रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले उसे बैन करो, उसे ऑनलाइन ट्रेंड होने दो और फिर उसे YouTube पर छोड़ दो कि लोग जा कर देखें। हम ये ना भूलें कि दुनिया का सबसे भीषण मानवीय संकट इस वक्त यमन में चल रहा है, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को दान करें। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस पूरे मामले से हमारा आपका, यानी कि भारतीयों का क्या लेना देना है। भारत में राज किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, सरकारें हमेशा अभिव्यक्ति पर कंट्रोल के पक्ष में रही है, नियंत्रण के पक्ष में रही। 2016 में एक RTI एप्लीकेशन के जवाब में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि सरकार फिलहाल ऑनलाइन कंटेंट पर सेंसरशिप के बारे में नहीं सोच रही है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में लगी एक याचिका में आरोप लगा कि ऑन डिमांड वीडियो प्लेटफॉर्म्स सॉफ्ट पॉर्न परोस रहे हैं।
कोई सीधी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन प्लेटफॉर्म्स अपने कंटेंट को लेकर सतर्क होने लगे, नग्नता को ब्लर किया जाने लगा, सीन काटे जाने लगे। सीक्रेट गेम्स में राजीव गांधी पर हुई टिप्पणियों को लेकर हुए हंगामे ने एक बार फिर सबका ध्यान इस ओर दिलाया था कि ऑन डिमांड वीडियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर किसी तरह के नियम नहीं हैं और इससे किस तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। भारत में सरकार किनारे से सब होते देख रही है, क्योंकि वो सीधे अभिव्यक्ति पर रोक लगाते फिलहाल नहीं दिखना चाहती है। लेकिन अब जब एक सरकार ने नियमों का हवाला देकर नेटफ्लिक्स पर से एक एपिसोड हटवा लिया है, तो दीगर देशों की सरकारें भी ऐसे कदम उठा सकती हैं। भारत में ये डर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ भावनाओं को आहत होना इन दिनों लगातार बढ़ा है। वैसे भी सरकार के नियम बनाने से पहले वीडियो प्लेटफॉर्म्स खुद अपने लिए नियम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का डंडा अगर पड़ता है तो वो ज़्यादा जोर का होगा। आपस के नियम जब नहीं हैं तब भी कंपनियों की अपनी अपनी सेंसरशिप पॉलिसी होती है, जिसके तहत कंटेंट से काट छाट होती है, लेकिन ये बातें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। सऊदी के इस कदम के बाद ऑनलाइन कंटेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या निर्माता दुस्साहस से डरने लगेंगे, इन सारे सवालों के जवाब हमें वक्त के साथ मिलेंगे, और जब वो वक्त आएगा तो हम ऐसा एक और वीडियो बना के आपके लिए पेश करेंगे। वो सारे वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं जो हम यहाँ पर बनाते हैं, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। अगर यूट्यूब आपको वीडियो देखने के लिए एक मुफीद प्लेटफॉर्म लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया अपडेट है, अब हमारा ऐप भी आ गया है। अगर आप ऐप स्टोर से दी ललन टॉप ये ऐप डाउनलोड करें तो आप हमारा सारा कंटेंट प्रायोरिटी पर पा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऐप में किसी तरह का कोई बग है या उसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है तो हमें लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।